والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. जितना मोहब्बत के साथ दुरुशरीफ पढ़ेंगे उतना जल्दी हमारा दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिया जाएगा। और बस दरूद तो ऐसे हैं जिनको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों का दुरूद शरीफ पढ़ना जो बहुत ही मोहब्बत और खलूस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दुरूद खुद सुनते हैं और ये अहदीस के अंदर मौजूद है। इसलिए मोहब्बत के साथ खलूस के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़िए। कुरान करीम में जो मैंने आपके सामने तिलावत किया والذين جاءوا من بعدهم يقولون जो लोग बाद में आने वाले हैं वो कहते हैं ربنا اغفر لنا اے हमारे रब हमें बख्श दे والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان बल्कि हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। अब जैसे कि डॉक्टर बिलाल ने अपनी वालदा के सदे सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया तो पहले लोग चले गए, बाद वाले लोग आज उनके लिए उनकी बख्शिश और मगफरत की खातिर दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए। तो ये जो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए असल में यही वो तरीका है जो अहले ईमान का है और जो तरीका हमें कुरान ने बताया कि जो लोग बाद में आते हैं वो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में यहाँ से चले गए, दुनिया से चले गए। तो जाहिर है इन्होंने अपनी वालदा के सारे सवाब के लिए ये जो आज हमने सबको यहाँ पर बुलाया तो वो जा चुके हैं वो लोग और उनकी जगह पर नए लोग आ चुके हैं जो आज उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे और हमारे बाद और लोग होंगे जो इंशाअल्लाह हमारे लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह उनको बख्श दे। तो ये अहले ईमान और कुरान और हदीस ने हमें ये तरीका बताया कि जो लोग बाद में आने वाले हैं वो फिर जाने वालों के लिए दुआ मांगते हैं। आज बाज़ लोग कहते हैं कि
मरने वालों के लिए अब दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फातिहा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुल खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दसवें की चालीसवें की कोई ज़रूरत नहीं है, सालाना बरसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो लोग जो कहने वाले हैं, ये जो मैंने आपके सामने गालिबन सूरतुल हश्र की जो आयात मैंने बयान की, आप देख लें कि वो लोग कुरान के खिलाफ बात करते हैं। कुरान तो ये कह रहे वल्लज़ीना जाऊ मिन बादी यकूलून, कि जो लोग बाद में आने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना अग़फिर लना, ए हमारे रब हमें भी बख्श दे, वाले इख़वानना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। इसका मतलब है कि हम आज जो यहाँ बैठे हैं, हम ऐन कुरान के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कुरान की खिलाफ खड़े होते हैं, कुरान की खिलाफ वर्जी करते हैं। जो तरीका जिस चीज़ से कुरान हदीस ने मना किया वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं जिसके ऊपर कुरान ने हमें कहा कि इसके ऊपर अमल करना है। कुरान कह रहे कभी जाने वालों के बाद जो लोग नए लोग आते हैं वो जाने वालों के लिए दुआ करते हैं, ये कुरान की आयत है कि या अल्लाह सिर्फ हमें नहीं बख्श दे बल्कि उनको भी बख्श दे। तो कुलों की महफिल हो, सालाना बरसी हो, चालीसवें की महफिल हो, आज इस साल सवाब की महफिल रखी गई है, इन्होंने अपनी वालदा की साल सवाब के लिए महफिल रखी, तो असल में ये सब कुछ बेआईन ही बिल्कुल कुरान के मुताबिक हो रहा है, जैसे कुरान ने कहा है वैसे हो रहा है, अल्लाह और उसके रसूल है। कि अब बाद में आने वाले लोग वो जो पहले हमसे ईमान वाले चले गए हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ, जो कहते हैं कि नहीं उनके लिए दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि वो उनको ईमान वाला समझते ही नहीं है, वो उन्हें अपने मरने वालों को मुसलमान समझते ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो मुसलमान की ये तारीफ की है ना कि मुसलमान वो है जो अपने से पहले चले जाने वाले ईमान वालों के लिए, जो ईमान की हालत में उनसे पहले चले गए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। तो यकीनन ये अपनी वालदा को ईमान वालों में से समझते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मुसलमान थी और हालत ईमान में थी, हालत ईमान में थी जिनसी जब उनका इंतकाल हुआ, हालत ईमान में थी, इसीलिए इन्होंने इस महफिल को सजाया है ना, कि इनका यकीन है कि मेरी वालदा कलिमा पढ़ती हुई ईमान की हालत में यहाँ से गई है इस दुनिया से। तो जो लोग फिर कहते हैं कि नहीं ये कुलों की चालीसवें की इन चीज़ों की अब किस क्या ज़रूरत है, तो शायद वो अपने मरने वालों को ईमान वाला ही नहीं समझते। मिश्कात शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक बंदा था आस बिन वाइल, अब वो मर गया, उसने मरने से पहले वसीयत की, उसके दो बेटे थे हशाम और उमर, उसने दोनों बेटों को वसीयत की कि भाई मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने 100 गुलाम आज़ाद करनी है, यानी ऐसी नफल नेकी करनी है जिसका सवाब मुझे पहुँचे, मेरी रूह को मुझे पहुँचे। अब उनमें से जो एक बेटा था, जाहिर है दो बेटे थे और उसने वसीयत क्या की थी 100 गुलाम आज़ाद करनी है, तो एक बेटे के हिस्से में कितने आए, 50 आए,
तो दोनों ने 50-50 गुलाम आजाद करने थे। तो अब एक ने तो फौरन अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए, लेकिन जो हजरत उमर थे वो हजूर के गुलाम थे, हजूर के फर्मा बरदार थे, सहाबा इकराम में से थे, वो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने कहा मैं तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ नहीं लूंगा कि या रसूलल्लाह मेरे बाप ने ये वसीयत की थी, तो अगर मैं, मेरे भाई ने तो अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए मेरे बाप की तरफ से, क्या मैं भी अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद करूं? क्या उसका फ़ायदा मेरे बाप को होगा? अब जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी आकर कि या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे आप बताइए, मेरे बाप ने ही वसीयत की थी, मेरे भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए, तो मैं भी अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता फिर तो तुम उसकी तरफ से 50 गुलाम आज़ाद करते, या सदका करते, या हज करते, तो चलो उसका सवाब उसको मिलता। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तब तुम उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करते, सदका करते, या हज करते, तो उसकी रूह को इसका सवाब भी होता जो उनसे। यानी हजूर ने ये मसला समझा दिया हमें कि जो अगर मरने वाला काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो उसकी तरफ से बाद में जो मर्जी सारे सवाब करते रहो, जितने मर्जी हज कर लो, जितने मर्जी देगे पका लो, या जो मर्जी नेकी कर लो, उसका सवाब उसको नहीं मिलेगा जो उनसे। सवाब उसी को मिलेगा जैसे कि हम अपने मरने वालों को अहले ईमान और मुसलमान समझते हैं, इसीलिए उन्हीं की रूह को इसका सवाब पहुंचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुसलमान होता तब तुम उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करते, तो चलो उसको फ़ायदा भी होता। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी वालदा के लिए जो इस सारे सवाब की महफिल सजाई है, यकीनन वो जब दुनिया से गई तो हालत ईमान में गई, और उनकी वफात एक मुसलमान की हैसियत से हुई, और उनकी रूह को जो भी इन्होंने कुरान अभी पढ़ा गया, नात शरीफ पढ़ी गई, और अब कुरान दरसे कुरान बयान हो रहा है, और जो इन्होंने खाना पकाया, उनकी रूह को इसका सवाब होगा। क्यों? क्योंकि वो यकीनन इस्लाम की हालत में दुनिया से गएंगे, ईमान की हालत में गएंगे, मुसलमान होने की हैसियत से उनका विसाल हुआ है, और ये भी उनको मुसलमान ही समझते हैं और अहले ईमान ही समझते हैं। तो अब कुरान की इस आयत और इस हदीस की रूह से जो लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं, वो सोच लें कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं अपने मरने वालों पर, हमारा तो कोई नुकसान नहीं कर रहे। इसी तरह एक हजूर के स्वामी हैं हजरत साद बिन इबादा रदियल्लाहु ताला, उन्होंने हजूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये भी मिश्कात शरीफ की हदीस है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो कौन सा सदका अफजल है जो मैं अपनी माँ की तरफ से करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि उसका सवाब मेरी माँ की रूह को पहुँचे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी, पानी। तो हजरत साद बिन इबादा ने एक कुआं खुदवाया ताकि लोग उसमें से पानी पिए, वजू करें। उन्होंने कुआं खुदवाया और लिख दिया हाज़ही उम्मे साद, यानी ये कुआं
हजरत साहब की माँ के लिए, एक माँ हजरत साहब की माँ के लिए। अब यह हदीस है मिश्कात शरीफ की। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, फौत हो गई, तो मैं उनकी तरफ से कौन सा सदका करूँ जो अफजल। हजूर ने कहा पानी। उन्होंने फौरन, अल्लाह ने उनको इतनी हैसियत दी हुई थी, उन्होंने एक कुआं बनवाया और उन्होंने लिख दिया कि ये साथ की माँ के लिए ये कुआं जन्स है, ये उनकी वालदा के लिए। इसलिए अगर आज कोई मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन के इसाले सवाब के लिए कोई सबील लगा ले शरबत की, पानी की, तो इसका मतलब है वो जायज़ है, वो बिल्कुल ठीक है। उसका सवाब इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला या शहदाए करबला की रूह को पहुँचेगा। किसी ने ग्यारहवीं शरीफ का लंगर पकाया, ग्यारहवीं शरीफ की न्याज बनाई, और उसने कहा कि ये गौसे आज़म की, हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी हजूर गौसे आज़म के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हदीस में आया कि उन्होंने लिख दिया कि ये कुआं साथ की माँ के लिए, जब वो नाजायज़ या हराम नहीं, तो ये ग्यारहवीं शरीफ की न्याज कहाँ से नाजायज़ और हराम हो जाएगी। और अगर इसको नाजायज़ और हराम कहेंगे, तो फिर हजरत साथ की माँ के लिए जो मिश्कात शरीफ की हदीस में जिस कुएँ का जिक्र है, उसके मुतालिक क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया था ना कि ये हजरत साद की माँ के लिए ये कुआं जोंस है। तो अगर कोई कहे कि ये न्याज हजरत गौसे आज़म के लिए या ये डॉक्टर बिलाल जो हैं इनकी माँ के लिए, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? बिल्कुल हदीस से साबित है ये अमल जोंस है, बिल्कुल हदीस से साबित है। अच्छा, बाज़ लोग कहेंगे कि नहीं, ये आपने न्याज पकाई, और यार ये तो आपने घर में पका लिया, जो भी पुलाव बना लिया, मुर्ग बना लिया, मटन बना लिया, और फिर आपने खुद ही बैठकर खा लिया, ये क्या खुद ही बनाया और खुद ही खा लिया, इसका सवाब उसके मरने वाले की रूह को कहाँ से होगा? मुझे बताइए, बड़ा आसान सा तरीका है समझने का। एक शख्स मस्जिद में एक कुआं बनवाता है, कुआं लगवाता है, ताकि लोग उससे वजू करें, उससे पानी पिए। तो अब उसका सवाब उसके नामे माल में आए। एक बंदा जिसने कुआं लगवाया है, अगर वो उस कुएं से खुद भी पानी पी ले और खुद भी वजू कर ले, और उसके घर वाले रिश्तेदार भी, उसके घर वाले भी, बीवी बच्चे भी उसी पानी से वजू कर लें, पानी पी लें, तो क्या उसके सवाब में कोई कमी हो जाएगी? इसी तरह अगर किसी ने लंगर पकाया है अपने घर में और खुद ही खा लिया है इसाले सवाब की नीयत से, साथ रिश्तेदारों ने भी खाया, बाहर वालों ने भी खाया, तो उसमें यकीनन उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। असल चीज़ है हक बात को समझना, हक बात को समझना। तो ईमान वाले जो हैं, यही ईमान वालों की निशानी है, ये असल इस्लाम है कि इसाले सवाब के लिए, जैसे कि अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए इन्होंने आज महफिल का इनेकाद किया, या अपने वालिद साहब अपने आबा अजदाद के इसाले सवाब के लिए। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादहिम यकूलून, बाद में आने वाले लोग जो बात वाली है वो ये कहते हैं, रब्बना फिर लना वले कुआनन लज़ीन सबकूना बिल ईमान, अल्लाह सिर्फ उनको नहीं बल्कि हमें भी बख्श दे, बल्कि हमें भी बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, उन रिश्तेदारों को भी बख्श दे जो हमसे पहले दुनिया से ईमान की हालत में गए हैं। तो हम सब लोग अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
उन लोगों को भी बख्श दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो हमसे पहले गए, बल्कि सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे। मौला सल्ले व सल्लम दायमन अबदा अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्ले व सल्लम दायमन अबदा خیر الخلق یا اللہ اس حبیب پر اپنی رحمت نازل فرما جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قال سیدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہماری دعاؤں اور مرادوں کو قبول فرما، اور اے وسیع کرم کرنے والے، ان کا صدقہ اور طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قال سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله۔